बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ीसा तट की ओर बढ़ रहा है। गुरुवार सुबह उड़ीसा के भद्रक में बारिश शुरू हो गई। साइक्लोन 24 अक्टूबर की देर रात करीब 2 बजे भीतरकनिका नेशनल पार्क और धामरा एयरपोर्ट के पास लैंड करेगा। भुवनेश्वर मौसम केंद्र के मुताबिक लैंडफॉल की प्रोसेस 5 घंटे चलेगी और इसके चलते भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम 5 बजे से 25 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक करीब 16 घंटे फ्लाइट्स कैंसिल रहेंगी। इसके अलावा 552 ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। साउथ ईस्ट रेलवे ने 150, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 198, ईस्टर्न रेलवे ने 190 ट्रेनें और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 14 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। उड़ीसा के 14 जिलों में स्कूल कॉलेज की 25 अक्टूबर तक छुट्टी की गई है। इन जिलों के 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द की गई हैं। उड़ीसा एनडीआरएफ की 20, उड़ीसा डिजास्टर रैपिड फोर्स की 51 और फायर ब्रिगेड की 178 टीमें लगाई गई हैं। 6,000 राहत शिविर भी बनाए गए हैं। होटल बुकिंग अगले 4 दिनों तक रोक दी गई है। उड़ीसा के 30 में से 14 तटीय जिलों में तूफान का व्यापक असर होने की आशंका है। बालासोर जिला मजिस्ट्रेट सूर्यवंशी मयूर विकास ने कहा कि आज हमारी कई स्तर पर समीक्षा बैठक हुई। हमारे जितने भी चक्रवात केंद्र हैं वहां पर लोगों का निकास करना शुरू किया जा चुका है। आज हमारे 2-3 लेवल पे रिव्यू मीटिंग हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे तरफ से भी बहुत सारे रिव्यू लिए गए हैं। यहाँ पे जो कलेक्टर सर थे उन्होंने भी रिव्यू लिए हैं। तो हमारे जितने भी साइक्लोन सेंटर है वहाँ पे अभी लोगों को इवैक्यूएट करना आज मॉर्निंग से ही शुरू हो गया है। शाम 4 बजे तक हमारे करीब 25 से 30 हज़ार के बीच हमारा इवैक्यूएशन हो चुका है। रात को हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 70,000 से भी ज़्यादा इवैक्यूएशन हो जाए और कल 11 बजे तक जितना हमारा टारगेट है अराउंड 2.5 लाख इवैक्यूएशन का हमारा टारगेट रहेगा। सारे जो हमारे साइक्लोन सेंटर्स है, परमानेंट साइक्लोन सेंटर्स और कुछ स्कूल्स जो टेम्पररी साइक्लोन सेंटर्स हमने कन्वर्ट किया है, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हो, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए ब्लॉक लेवल पे हमारे BDOs है, पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और जो भी लोग आ रहे हैं उनको कुक फूड हो और वहाँ पे सब फैसिलिटी हो, इसके लिए सबको इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने दिया है। और पुलिस के साथ भी सहयोग के साथ जहाँ पे भी लोग आने के लिए राजी कुछ किन्हीं वजह से ना हो रहे थे उनको भी हमने कन्विंस करके सबको